तो स्वागत है दोस्तों फिर से एक और नए ट्यूटोरियल के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जब पीएचपी का एरर आता है वर्डप्रेस में तो आप क्या करें। जी हाँ, उसको कैसे बंद करें, कैसे डिसेबल करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने कुछ ऐसे से एरर आने लगते हैं, पीएचपी लाइन, कभी आपका इंक्लूडेड ईमेल्स का एरर आने लगता है, .es की बहुत सारी एरर आती हैं। तो इसको आप कैसे डिसेबल करें, अभी मेरे पास कुछ नहीं आ रहा। तो आपको बेसिकली क्या करना है, अपने वर्डप्रेस फाइल में WP कॉन्फ़िगरेशन को खोलना है और यहाँ देखिए आपको सबसे नीचे आना है और यहाँ ट्रू रहता है, इसको आपको फॉल्स करना है। और फॉल्स है तो अगर ट्रू करना है, इसके रिगार्डिंग मैंने पोस्ट भी कर रखा है अपने साइट पे, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और कर सकते हैं। अगर ट्रू है तो उसको फॉल्स करें, अगर फॉल्स है तो ट्रू करें। और भी मैंने कोडिंग्स यहाँ लिख रखे हैं, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हैव ए गुड डे। अगली वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।